हाय एवरीवन, मैं हूँ शिल्पी। वेलकम बैक टू आवर चैनल द वेजी रसोई। आज की इस रेसिपी में मैं बना रही हूँ एक सुपर क्रिस्पी एंड सुपर टेस्टी पोटैटो स्नैक, दैट इज पोटैटो पॉपकॉर्न्स। एज वेल एज आई एम गोइंग टू शो यू अ सिंपल एंड इजी डिप रेसिपी। जब भी आप मूवी देख रहे हो या फिर आपको किसी पार्टी के लिए स्नैक बनाना हो, किसी भी टाइम के लिए ये एक परफेक्ट स्नैक है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो बड़े साइज के आलू लिए हैं। हमें अच्छी क्वालिटी के आलू लेने हैं जो खाने और टेस्ट में अच्छे हों। उसके बाद इन्हें हमें बहुत अच्छे से छील लेना है। इन पर जो भी ब्लैक स्पॉट हो उन्हें भी अच्छे से निकाल देना है और इसके बाद इस तरीके से स्क्वायर की शेप में काट लेना है। इन्हें इस तरीके से काटने के बाद किसी बाउल में निकाल लें और उसके बाद दो से तीन बार पानी डालकर अच्छे से इन्हें धो लें। आलू को बहुत अच्छे से धोना है, अदरवाइज ये काले पड़ जाएंगे। अब मैंने एक पैन में पानी बॉईल कर लिया है। उसके बाद इन्हें उबलते हुए पानी में डाल देंगे और आलूओं को लगभग 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे। इन्हें हाफ बॉईल करना है, हमें इन्हें पूरी तरीके से कुक नहीं करना है, सिर्फ हाफ बॉईल ही करना है। नाइफ़ की हेल्प से चेक कर लेंगे, अगर नाइफ़ अच्छी तरीके से इंसर्ट हो जाता है और इंसर्ट करने के बाद आलू का पीस नहीं टूटता है तो ये आलू परफेक्टली बॉईल है। उसके बाद इन्हें उबलते हुए पानी से निकाल लेंगे और अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। अब एक मिक्सिंग बाउल में मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून लेमन जूस। लेमन जूस ऐड करने के बाद इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद जो आलू हमने हाफ बॉईल करके रखे थे उन्हें ऐड कर देना है और इन्हें अच्छे से मिक्स करके आलूओं को अच्छे से मसाले में मैरिनेट कर देना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स एंड 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो नहीं है तो उसके बिना भी आप इन्हें बना सकते हो। अब एक बाउल में 2 टेबल स्पून ऑल पर्पज़ फ्लावर और मैदा लेंगे। उसके बाद 2 टेबल स्पून ही इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर एंड 1/2 टीस्पून नमक ऐड करके इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद 1/2 कप पानी डालकर एक बैटर बना लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक लम्स फ्री बैटर बनाएंगे। तो ये बैटर बनकर एकदम तैयार है, अभी इसे साइड में रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कप कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं। कॉर्नफ्लेक्स को हमें कोर्सली ग्राइंड कर लेना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो आप कॉर्नफ्लेक्स की जगह पर ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हो। अब मैरिनेट किए हुए पोटैटोस को एक एक करके बनाए हुए मिक्सचर में डिप करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स कोट कर देंगे। कभी भी इस तरीके की कोई भी चीज़ आप बनाएं तो सबसे पहले अपने राइट हैंड से उसे डिप कीजिए और उसके बाद लेफ्ट हैंड से कॉर्नफ्लेक्स का मिक्सचर उस पर डालिए। इससे कभी भी कॉर्नफ्लेक्स या ब्रेड क्रम्स का मिक्सचर ख़राब नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमें सारे आलूओं को अच्छे से कॉर्नफ्लेक्स में कोट कर लेना है। ये स्नैक एक परफेक्ट पार्टी स्नैक है। आप इसे 7 डेज के लिए अपने फ्रीजर सेक्शन में स्टोर करके भी रख सकते हो। डिप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1/4 कप मायोनीज लिया है। उसके बाद इसमें मैं 2 टेबल स्पून टमाटो केचप और साथ में 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी टेस्टी डिप बनकर एकदम तैयार है। अब हम अपने पोटैटोज़ को डीप फ्राई करेंगे। तो उसके लिए एक कढ़ाई में मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। ऑयल अच्छे से गरम है। उसके बाद फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। अब हम अपने आलूओं को उसमें डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। बीच बीच में उन्हें फोक की हेल्प से इस तरीके से पलटते रहेंगे और मीडियम हीट पर ही इन्हें हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद इन्हें हमें कढ़ाई से निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका कलर बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है और उसके बाद मैंने इन्हें कढ़ाई से निकाल लिया है। इसी तरीके से हमें सारे पोटैटोस को फ्राई कर लेना है। अब मैं इस पर डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल करके इसे किसी भी डिप के साथ एंजॉय कर सकते हो।
आप इस स्नैक को पहले से बनाकर अपने फ्रीजर सेक्शन में स्टोर कर सकते हो और जब भी आपका मन करे उसके बाद डीप फ्राई करके इसे आप खा सकते हो। ये एक परफेक्ट स्नैक है, जब भी आप टीवी देख रहे हो या मूवी इंजॉय कर रहे हो उस टाइम पर आप इसे बनाकर इंजॉय कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये पोटैटोस कितने क्रिस्पी और क्रंची हैं। सो गिव दिस रेसिपी अ ट्राई एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो हाउ इट केम आउट फॉर यू। इफ यू लाइक द रेसिपी देन क्लिक द लाइक बटन बिलो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन। बाय बाय, टेक केयर।